छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों अपनी तैयारी में जुट गई है, साथ ही साथ मांगों को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी सिलसिले में बालोद जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों ने जुलूस निकाला, जो भाजपा कार्यालय पुराना बस स्टैंड सदर रोड होते हुए ज्वेस्तंभ चौक पहुंचकर सक्षम अधिकारियों को कलेक्टर के नाम जो है रुकी किश्त और प्रधानमंत्री आवास जारी करने का निवेदन पत्र सौंपा। इस जुलूस को भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार सहित भाजपा के नेताओं ने समर्थन देते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा जन घोषणा पत्र में शहरी और ग्रामीण आवास का अधिकार आम जनता को देने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश की सरकार गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ प्रदेश की गरीब जनता के बीच भूपेश सरकार दीवार की तरह खड़ा हो गया है। आज का ये जो मशाल रैली का आयोजन था वो प्रधानमंत्री आवास के राज्यांश को लेकर जो कांग्रेस सरकार भूपेश सरकार ने हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास के रोका हुआ है, जो 11 लाख लोगों का पैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के द्वारा जो भेजा गया था उसको वापस कर दिया गया और 5.5 लाख लोगों की जो राशि है प्रधानमंत्री आवास की रुकी हुई है, जिसके कारण लोगों का मकान अधूरा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक पक्का मकान के वादा करे थे, जिसमें राज्य के राशि 40% और केंद्र के 60% देने के निर्धारित है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपन 40% भी नहीं दे थे, जेकर कारण हम सब हितग्राही के मकान नहीं बन पाए थे। इतने आक्रोश रैली के रूप में आज मशाल रैली बालोद नगर में आयोजित रही है।